मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के टर्मिनल 3 पर। मार्च चल रहा है और इस बार अगले 36 घंटों में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ 3 देश जिनमें मैं पहले कभी नहीं गया हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एयरपोर्ट ट्रांज़िट कर रहा हूँ, उन देशों के अंदर जाने वाला हूँ। ख़ास बात यह है कि जो दो देश हैं जाना, तो मेरे को लास्ट वाले देश में था जिसका नाम है जर्मनी, बहुत सारे लोग जानते हैं। लेकिन जो बाकी दो देश जो मुफ्त मिल रहे हैं ना, वो एक्चुअली मिल रहे हैं बस कि सस्ते में एक टिकट का जुगाड़ हो रहा था, तो वो टिकट यहाँ यहाँ घुमा के लेके जा रही थी, तो मैंने इस वजह से इसको ले लिया। मैं जा रहा हूँ एथियोपियन एयरलाइन से। 45,000 की टिकट पड़ी है, सिर्फ दो दिन पहले कराई थी, पर इसको इसलिए लिया क्योंकि दो चेक इन बैग वो लोग दे रहे थे जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि मैं अब लंबे टाइम के लिए जर्मनी रहने वाला हूँ। बहुत सारे गर्म कपड़े हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो 23 किलोज़ का एक बैग, 23 किलोज़ का दूसरा बैग, ये इकॉनमी फेयर में अलाउ करता है एथियोपियन। और सिर्फ दो तीन दिन के ड्यूरेशन में मुझे एक यही चीपेस्ट टिकट मिल रही थी, और ये एक्चुअली मुझे बर्न, जहाँ मुझे जाना है वहाँ लेकर नहीं जा रही है, मुझे लेकर जा रही है ब्रसल्स, जो कि बेल्जियम जर्मनी का पड़ोसी देश है। वहाँ से मैं पकड़ने वाला हूँ एक बस, एक लोकल बस। तो बजट ट्रैवल करने का एक बहुत बढ़िया तरीका ये भी है कि अगर आपके पास वीज़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल शेंगेन वीज़ा, तो आप किसी भी कंट्री में आप लैंड कर जाइए, और जो आपकी डेस्टिनेशन कंट्री है वहाँ से आप या तो कोई सस्ती फ्लाइट या बस या ट्रेन या हिचहाइक, जो मर्ज़ी आप कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने बस बुक कराई हुई है, तो ये ओवरऑल जो मेरा सारा हिसाब किताब है ना, वो काफ़ी सस्ता पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू ही डायरेक्ट फ़्लाइट मैं करता। वैसे भी बर्लिन मेरे को जाना है, वहाँ तक के लिए इंडिया से कोई सीधी फ़्लाइट नहीं है, फ्रैंकफर्ट जाती है, म्यूनिक भी जाती है शायद मुंबई से, तो मुझे एनीवेज़ आप मुझे ट्रेन या बस या कोई दूसरी फ़्लाइट लेनी ही पड़ती, तो मैं वो ब्रसल्स से ले रहा हूँ जस्ट बिकॉज कुछ पैसे बच रहे हैं। ये सामने इथियोपियन वाला चेक इन काउंटर है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये चेक करने के लिए आया था, लाइन बड़ी लंबी है, लेकिन मैंने साइड में जो सबसे लास्ट वाला काउंटर है ये जाके पूछा कि भाई एक बैग में वज़न हो रहा है 24 किलोज़ और एक में है 20 किलोज़, तो आप 23 किलोज़ अलाउ करते हैं, तो ये जो जिसमें एक किलो दो किलो एक्स्ट्रा हो रहा है क्या आप अलाउ करेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं चेक इन कराने के लिए जा रहा हूँ, अभी भी पीछे चेक इन वाली लाइन लगी हुई है मेरे, लेकिन एक मोहतरमा है जो एम्प्लॉई हैं, आई मीन एथियोपियन की जो टीम है ग्राउंड स्टाफ वाली, वो आई मेरे पास में, मेरे सामने है, लेकिन ड्यू टू उनके प्राइवेसी कंसर्न्स मैं उनको ले नहीं रहा हूँ। और उन्होंने मुझे अभी अभी कि ये दिया है, ये है होटल वाउचर, 8 घंटे से ज़्यादा अगर आपका लेओवर है अदीस अबाबा में तो आपको होटल वाउचर मिलता है, जो उन्होंने मुझे यहीं दे दिया है मेरे ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर। आज 8:21 हो रहे हैं, सिक्योरिटी चेक हो गया है और अब मैं अंदर जा रहा हूँ। इमिग्रेशन में और चेक इन काउंटर में, इन दोनों प्रोसेसेस में ऑलमोस्ट सदियाँ बिताने के बाद अब मैं सीधा गेट पर भागूँगा। लाउंज वगैरह और ये सारी चीज़ें एक्सेस करने का मौका नहीं है। 8:21 हो रहे हैं, 9:05 का तो मेरा डिपार्चर है। ये है दिल्ली एयरपोर्ट का फ़िलहाल हाल, लाइन बहुत लंबी लंबी है, टाइम से आ जाए, वज़न कम रह सके, इसलिए ये दो जैकेट्स मैं हाथ में लेके चल रहा हूँ। मैंने पता नहीं क्या क्या जुगाड़ किए हैं इस बार वज़न को कम से कम बैग्स में रखने के लिए। जैकेट में मैंने भारी भारी जो मेरी हार्ड डिस्क है ना, वो रखी हुई हैं ताकि मेरा वज़न थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि जैकेट का वज़न नहीं होता है, वो आप पहन के रखते हो। ये एक बैग है और एक बैग यहाँ इस तरफ है, इनमें से मैंने वज़न को हल्का किया। ये री कार्ड्स, बोर्डिंग शुरू हो गई है। मैं जैसे गेट पर पहुंचा, मतलब मुझे बैठने का भी टाइम नहीं मिला, 3 घंटे बल्कि 3.5 घंटे पहले मैं आ गया था आज एयरपोर्ट पर। आठ बजकर 50 मिनट हो गए हैं और मैं अब बोर्ड कर रहा हूं अपनी फ़्लाइट को एथियोपियन एयरलाइंस के साथ। ये मेरा पहला सफ़र होने वाला है दिल्ली से अदीस अबाबा, जो कि एथियोपिया की कैपिटल है,
और वहाँ से आगे अगली फ्लाइट बेल्जियम ब्रसल्स के लिए करीब 12 घंटे के लेओवर के बाद। क्यों मैंने 12 घंटे का लेओवर चुना? इसमें एक होटल मिल रहा है, बहुत ही मेरे ख्याल से बेहतरीन होटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पिकअप एंड ड्रॉप भी है, उसमें खाना भी है। अभी अभी एक भाई साहब थे, वो पीछे खड़े होके कह रहे थे कि मैं होटल बुकिंग को कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि उनका भी लेओवर था, उन्होंने सोचा होगा। खैर, ये पहले मैं एयरक्राफ्ट दिखाऊँ। तो होटल बुकिंग और वीज़ा, ये आप पहले से ना कराएं अगर आपका 8 घंटे से ज़्यादा का लेओवर है। ये आपको सब इथियोपियन एयरलाइंस की तरफ से मिल जाएगा। स्पेशल मीन रिक्वेस्ट मैंने पहले ही कर दिया था टिकट बुक कराने के बाद में। इस एयरलाइन का जो वेब चेक इन है वो 72 आवर्स पहले हो जाता है, और सीट्स सेलेक्ट करनी पड़ती, पे करना पड़ता है। लेकिन जो पीछे की विंडो सीट्स थी, जैसे कि मैं विंडो सीट पर हूँ, ये इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें कई बार मैं शेयर करता हूँ, कई बार मुझे लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, पर मुझे बाद में ख्याल आता है कि इथियोपियन एयरलाइंस के साथ अगर कोई पहली बार ट्रैवल कर रहा हो और उसको अगर वीडियो में ये देखने को मिल जाए कि सफ़र के दौरान क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, तो कितना अच्छा रहेगा ना। तो मुझे लगा कि मैं शूट करता हूँ। छोटी सी चीज़ ये कि अभी अभी ये ईयरफोन्स वो मातरमा आई थी, उन्होंने बांटते हैं। ये है इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का हिसाब किताब। इथियोपियन के साथ में मेरा पहला सफ़र हो गया है, पूरा ज़िंदगी में पहली बार मैंने इस एयरलाइंस के साथ ट्रैवल किया। अभी दूसरा सफ़र बाकी है। मेरा जो डेस्टिनेशन है वो है ब्रसल्स। 7 घंटे का यह सफ़र था दिल्ली से अदिस अबाबा तक। मिक्स्ड से मेरे रिव्यूज़ हैं जो मैं बाहर जाके बताता हूँ। ये जो भाई साहब थे मेरी फ़्लाइट में बैठे हुए थे, खास बात ये, मैंने पहली बार किसी पैसेंजर को ना कैबिन में झाड़ू ले जाते हुए देखा है। ये बड़ा स्ट्रेंज था, ये झाड़ू कैबिन में लेकर आया, फूल झाड़ू। इथियोपिया पहुंचने के बाद में फ्री ट्रांजिट वीज़ा कैसे मिला, इमिग्रेशन पर क्या सवाल पूछे गए, ट्रांजिट के दौरान जो फ्री होटल था वहाँ तक पहुँचने का एक्सपीरियंस, वहाँ रहने का एक्सपीरियंस, जो फ्री खाना था, लंच और डिनर, वो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था ट्रांजिट का वो कैसा रहा, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जो इस वीडियो के बाद में आएगा। और उस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी जान पाएंगे कि इस ट्रांजिट के दौरान क्या आपको सिर्फ उस होटल में रहना होगा या आप आराम से शहर को भी अपने आप घूम सकते हैं। अभी क्योंकि मैं वो होटल वाली जो शटल है वो भी आनी बाकी है, तो कुछ लोग मिल रहे हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं आपस में। तो ये जनाब, आपका नाम क्या बताया आपने? गौरव। और ये हैं देवांश, ये इनके सुपुत्र हैं, ये जा रहे हैं कनाडा। इन्होंने कहा आपके वीडियोस देखे थे, तो ऐसे हमारा सिलसिला बातचीत का शुरू हुआ। एक इंटरेस्टिंग बात ये पता चली कि इन्होंने 2 महीने पहले ये टिकट बुक कराई थी, इंडिया से कनाडा जा रहे हैं, लेकिन यहाँ अदिस अबाबा होकर। मैंने रीज़न पूछा तो आपने बताया कि सस्ती थी औरों के कंपैरिजन। औरों की तो 2-2 लाख की टिकट थी। हाँ, और ये फिर भी 1 लाख की पड़ी। ये फिर भी 1 लाख की पड़ी है। ओ माय गॉड, फिर भी महंगी है ये। बट मेरा भी रीज़न यही था कि सस्ती थी, और बहुत सारे और लोगों के आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको सस्ते में कहीं जाना है। सामान ज़्यादा है क्योंकि इसमें 23 किलो का एक बैग अलाउड है, सॉरी 2 बैग्स अलाउड हैं, हर एक का वज़न 23 किलो है, तो वज़न भी ज़्यादा है। और फैसिलिटीज चेकिंग में भी 10 किलो आराम से। हाँ, कैबिन में भी अलाउ किया, मेरे साथ में भी थोड़ा सा वज़न ज़्यादा था,
तो वो अलाउ कर दिया। आपकी फ्लाइट 11 बजे है? रात को 11 बजे। रात 11 बजे है। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं वैसे तो अम्बाला से। अच्छा, हरियाणा से। नाइस, तो कैसे आए अम्बाला से आप? बाई कार दिल्ली तक आए। सुबह सुबह की फ्लाइट थी ना ये? 9 बजे उड़ी आप? हम तो रात को 11 बजे चले अम्बाला से। अच्छा, उसके बाद तो दिल्ली एयरपोर्ट पे जो बुरा हाल हुआ, रश लग गए 3 आवर्स। मतलब अगर हम 11 बजे नहीं चलते तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जाती है। मैं 9:30 बजे फ़्लाइट थी, मैं रात को 4 बजे वहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच गया था जहाँ से बोर्डिंग शुरू होनी थी। चेक इन होना था, सामान वगैरह सारा 4 बजे पहुँच गया था। अच्छा, मैंने 4 बजे खुल गया था वो चेक इन? आधे घंटे बाद खुल गया था, 4:30 बजे। अच्छा अच्छा, 4:30 बजे खुला, मैंने बोर्डिंग सारा सामान अंदर। मतलब आप शुरुआती लोगों में से थे, उसके बाद भी आपको? मेरा फर्स्ट बोर्डिंग कार्ड था इसका, प्लेन का। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे इमिग्रेशन में 2 घंटे लेटर के साथ, इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये परेशान। 2 घंटे इमिग्रेशन में लगे, फिर आगे कस्टम में करते करते हम, मतलब ये लगाओ कि 8 बजे हम फ्री हुए, 8:30 बजे तो बोर्डिंग स्टार्ट होनी थी। एक्चुअली मेरे साथ भी यही हुआ, भागते भागते मैं गेट पर पहुँचा हूँ और 1 मिनट नहीं मिला मुझे कहीं पर रुकने का। पता नहीं दिल्ली एयरपोर्ट में थोड़ा सा गड़बड़ है, बट चलिए जो भी है, थोड़ा आप टाइम से रखिएगा। इनका ये फीडबैक सिर्फ इसलिए शूट किया ताकि आप लोग थोड़ा सा एहतियात बरत सकें। और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, हैरानी इस बात की भी है, बहुत टाइम से ये चल रहा है। दो बार सिक्योरिटी चेक हुआ, एक इमिग्रेशन से पहले और एक इमिग्रेशन के बाद। ये मेरे पीछे सिक्योरिटी चेक वाले हैं और इस तरफ है प्लाजा प्रीमियम लाउंज। तो जो पैसेंजर्स जिनका ले ओवर 8 घंटे से कम है उनको होटल फैसिलिटी तो मिलेगी नहीं, जो कॉम्प्लीमेंट्री होटल फैसिलिटी मुझे मिली वैसी वाली। तो आप लोग यहाँ प्रीमियम लाउंज जैसे ये सामने है यहाँ पर आ सकते हैं, या बाकी जो सीट्स हैं वहाँ पर रह सकते हैं। सो बेसिकली आप एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर ही रहेंगे आप। चलो मैं ज़रा ये भी पता कर लेता हूँ कि यहाँ पर हमारे कौन कौन से कार्ड चलते हैं। ये था यहाँ का लाउंज, और जो प्रायोरिटी पास है वो यहाँ चलता नहीं है, यहाँ चलता है सिर्फ ड्रैगन पास और अमेरिकन एक्सप्रेस का जो प्लैटिनम कार्ड है वो। और फैसिलिटीज़ के नाम पर यहाँ पर शावर्स हैं, मैंने पूछा शावर्स हैं ना, उन्होंने कहा हाँ शावर लेकिन टावल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अभी तक हंस रहा हूँ उनकी इस बात पर। टूरिस्ट हेल्पलाइन का जो फेसबुक ग्रुप है उसमें भी शायद किसी ने ये मेंशन किया था। कोई सवाल हो आपके कोई भी ट्रैवल से रिलेटेड तो आप टूरिस्ट हेल्पलाइन फेसबुक ग्रुप में अपने सवाल दाग सकते हैं और सर्च टूल का इस्तेमाल करके ढूंढ सकते हैं जवाब जो पहले ही पूछे जा चुके हैं सवाल। 11:12 हो रहे हैं इस वक्त और 1 बजे मेरी फ़्लाइट है गेट नंबर C11 से। ज़्यादा भीड़ है, एयरपोर्ट कम बस अड्डा ज़्यादा लग रहा है। जिद्दा सऊदी अरेबिया वाला जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ था इजिप्ट जाते हुए, मुझे लगता है वो तो उसका तो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया आज तक एयरपोर्ट्स के मामले में, ये शायद दूसरे नंबर पर मैं कह सकता हूँ। मेरे साथ में एक भाई साहब और हैं, आपका नाम क्या दोस्त? कोल्डी। कोल्डी, ये जनाब है अम्बाला से और ब्रसल्स में ये काम करते हैं ये, तो बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ बात करने में। गोल्डी जो मेरे साथ में हैं, आप हम ऐसी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कुछ कहा उन्होंने इथियोपियन के बारे में, तो क्या कहा, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये आप उन्हीं से सुनिए, अब आप बताइए। तो जो ये इथियोपियन एयरलाइंस है, हाँ, इन्होंने मुझे जैसे कि ये जो फूड वगैरह ये देते बड़ा अच्छा इन्होंने प्रोवाइड किया, और जैसे ड्रिंक वगैरह कि 5 मिनट के बाद दोबारा ड्रिंक आप लेना चाहते हो, पानी वगैरह, ये बड़ा अच्छा लगा इनसे। और जैसे इन्होंने हमारी 11 घंटे की स्टे थी, हाँ, उसमें उन्होंने हमें कि होटल वगैरह वो भी 5 स्टार दिया। बोर्डिंग शुरू हो गई थी इसलिए हम भाग के यहाँ पर आ गए।
बेल्जियम एयरपोर्ट पर हूँ। बहुत भागा, बहुत बहुत तेज़ भागा। आज मैंने लाइन ब्रेक की है और इसके पीछे रीज़न ये कि मेरी बस है आगे बर्लिन की, 12 घंटे का सफ़र और है। सफ़र मेरा ख़त्म हो गया है इथियोपियन एयरलाइंस के साथ में। आज जल्दी थी मेरे को, इसलिए मेरे को भागना पड़ा। और मैंने लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ मुझे ना आप मुझे आगे जाने दो, कभी भी इमरजेंसी हो ना लोगों से रिक्वेस्ट करो, आमतौर पर सुन लेते। हालांकि यहाँ पर जो ऑफिशियल थे उन्होंने सुना नहीं। मेरा बैगेज आने वाला है बेल्ट नंबर 8 पर, जो अब शुरू हो रहा है। ये जो दूसरा लेग था इथियोपियन एयरलाइंस वाला, ये भी नॉर्मल ही था। डिटेल्स मैं आपको थोड़ा सा तसल्ली से, ठंडे दिमाग से सोच कर बताऊँगा। फिलहाल बैगेज आ रहा है, मैं उसको ले रहा हूँ। रात के 8:45, 8:50 पे इस बस को पहुंच जाना था, 10 मिनट पहले पहुंचा दिया। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जर्मनी।